नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, वृष राशि वालों के लिए यह दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है, कैसा फल देने वाला है, क्या विशेष सावधानियां बरतें, क्या उपाय करें जिससे हमारे मार्ग के अंदर किसी प्रकार का अवरोध ना हो। वृष राशि वालों के 12वें स्थान के अंदर बृहस्पति विद्यमान है। देखो, आप चाहे स्त्री हैं, पुरुष हैं, कोई व्यापारी है, नौकरी पेशा हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, कोई भी आप हैं, ये सब के लिए मिला जुला फल होता है। 12वें स्थान का बृहस्पति शुभ कार्यों के अंदर खर्च करवाता है, चाहे वो बच्चों की शादी है, अपनी पढ़ाई है, मकान का बनाना है, ऐसे कामों के अंदर, शुभ कार्यों के अंदर आपके खर्चे होंगे। मकान संबंधी विवाद कोई होगा तो सुलझ जाएगा, आयु की वृद्धि होगी और शुभ कार्यों के अंदर खर्च होगा। शनि आपके दशम स्थान के अंदर हैं। अगर बहुत टाइम से आपका कोई कार्य अटका हुआ है, जैसे सरकारी नौकरी है, कोई पदोन्नति है, प्रोग्रेस है, प्रमोशन है, तो ये आपको प्राप्त होंगे। और ये शनि यहाँ पर बैठ कर के बहुत अच्छी स्थिति बनाता है, कोई राजकीय सम्मान भी दिला सकता है, राजकीय पद प्रतिष्ठा तो प्राप्त होगी होगी, राजकीय पद का लाभ भी आपको होगा। बाकी यहाँ बैठ कर के और कुछ विवाद ये प्रॉपर्टी के ऊपर कर सकता है, माता का स्वास्थ्य जो है बिगड़ सकता है और पत्नी का स्वास्थ्य संबंध बिगड़ सकते हैं, तो उसकी आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। शनि का उपचार आपको करना चाहिए, शनि की पाठ पूजा आपको करनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान चालीसा के पाठ आप करें। राहु आपके 11वें स्थान में विद्यमान हैं और 11वां स्थान का राहु पढ़ाई के अंदर विक्षेप डालता है, आलस्य पैदा करता है, उसके अंदर प्रमाद पैदा करता है और ये आज के कार्य को कल के ऊपर टालता है, कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, और कार्य स्थगित होता चला जाता है और आप पीछे रह जाते हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। बाकी दैनिक तारीखों का जो है फल मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। 1, 2 और 3 तारीख ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हैं, विजय हर जगह पर आपको प्राप्त होगी, अच्छे मित्रों का, भाइयों का सहयोग आपको प्राप्त होगा और आप प्रसन्न रहेंगे। 4-5 तारीख के अंदर आपको थोड़ी खिन्नता रहेगी, मन उदास रहेगा, अकारण भय सा आपके मन के अंदर व्याप्त रहेगा। 6, 7, 8 तारीख अगर आप पढ़ने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, कहीं भी कोई कंपटीशन एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर और अच्छा फल देने वाला होगा। और 9-10 तारीख इसके अंदर आपको अपनी वाणी व्यवहार का सुधार रखना होगा, कंट्रोल करना होगा, अन्यथा किसी से कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है जो कहीं तक भी जा सकता है। आगे 11-12 तारीख ये आपके लिए, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो व्यापारी है, नौकरी पेशा है, कोई भी जो है मजदूर है, किसान है, हर किसी के लिए बढ़िया रहेगा। लेकिन 13, 14, 15 तारीख में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, लंबी दूरी की कोई यात्रा हो तो उनको स्थगित करें और आगे के 16-17 तारीख के ऊपर उसको टाल दें। अब 16, 17, 18, 19 और 20 और 21 तारीख ये आपके लिए बहुत ही सुंदर और सुखद रहेंगी, लाभकारी रहेंगी। इसके अंदर कोई भी भाग्य की उन्नति के कार्य आपके होंगे, छोटी बड़ी यात्रा भी आप करेंगे और राज्य से, पिता से, राज्य अधिकारियों से आपको अच्छा लाभ होगा, आपकी पदवृद्धि भी इसके अंदर संभव है, अर्थात हो सकती है। 22-23 तारीख में आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, किसी प्रकार का कोई खर्चा ना करें वरना आपको नुकसान हो सकता है। 24-25, 26-27, 28-29, 30 तारीख यहाँ तक का समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, श्रेष्ठ है, सुंदर है, सुखद है, परिवार में, समाज में बहुत अच्छा हंसी खुशी का माहौल रहेगा, अच्छे उत्सव होंगे और हर कोई आपस के अंदर मेल जोल में प्रसन्न रहेगा, भाइयों का, मित्रों का भी आपको पूर्ण पूर्ण सहयोग और सहायता प्राप्त होगी। 31 तारीख
थोड़ी खिन्न आपको रखेगी, मन थोड़ा उदास रहेगा, मन के कारण अंदर जो है निराशा या उदासी आपको रहेगी। बाकी पूरा मंथ आपका ठीक है। बाकी और जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके, और आप जो भी जानकारी लेना चाहें वो लेकर के लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्म कांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.श्रीवशिष्ठ.com।